राजस्थान चिकित्सा विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरे राजस्थान में शुरू होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। कोरोना संदिग्ध रोगियों की पहचान के लिए ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा और ये टेस्ट 13 मई को प्रदेश भर के CMHO PMO का प्रशिक्षण इसके मद्देनजर किया जाएगा ताकि कोरोना संदिग्धों की पहचान जल्दी की जा सके। सहयोगी आशुतोष देंगे ज्यादा जानकारी। आशुतोष, क्या जानकारी छनकर सामने आ रही है? हाँ, देखिए पिछले दिनों लगातार ये देखा गया था कि जो गांवों में तेजी के साथ में हमारे जितने भी ग्रामीण इलाके वहाँ तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है, तो वहाँ पे टेस्ट की आरटीपीसीआर टेस्ट की प्रॉपर सुविधा नहीं है, बड़ी संख्या में संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में ये बड़ा निर्णय लिया गया कि अब पूरे राज्य के अंदर, क्योंकि संक्रमण अब हर जिले में फैल चुका है, हर गाँव में फैल चुका है, इसके लिए निर्णय लिया गया कि तमाम जिला कलेक्टर को, सभी मेडिकल कॉलेज को, CMHO है, PMO है, सभी को ये आदेश जारी किए गए कि अब राजस्थान के अंदर आने वाले दिनों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो सुविधा है वो शुरू की जाएगी। दरअसल इसका जो रिजल्ट है वो महज आधे घंटे के अंदर आ जाएगा, लेकिन इसमें ये याद रहेगा कि प्राथमिकता जो है वो RT-PCR टेस्ट को ही दी जाएगी, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट उन्हीं लोगों का किया जाएगा जिनके ILI लक्षण होंगे। जिन मरीजों के इस तरह के लक्षण होंगे उनको तुरंत रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर उच्च स्तर के जितने भी राजकीय चिकित्सालय वहाँ पे और इसके साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल, इन सभी को ये जो किट है ये उपलब्ध कराई जाएगी और कोई भी व्यक्ति अगर इस टेस्ट के अंदर पॉजिटिव आया जाता है तो उसको पॉजिटिव मानकर आइसोलेट किया जाएगा और जो तमाम प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उसके मुताबिक उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। खासतौर पर ये भी जो निर्देश हम जारी किए गए, अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव भी पाया जाता है तो उसका सैंपल लिया जाएगा और RT-PCR भी उसका किया जाएगा ताकि ये पुष्टि हो सके कि जो एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाया गया है कि क्या वो वाकई में नेगेटिव है या नहीं है। तो ये तमाम जो प्रोटोकॉल हैं वो ICMR के जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक जितने भी निर्देश जारी किए गए हैं उनकी पालना में तमाम प्रदेश के जो जिला कलेक्टर हैं, CMHO हैं, PMO हैं, उनको ये निर्देश जारी कर दिए गए। आशुतोष, कोशिश तो अच्छी है लेकिन सवाल ये भी आ जाता है क्योंकि लगातार जो खबरें सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है उसमें लोगों को ये कहना है कि पहले तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उसके बाद जब टेस्ट करा रहे हैं तो रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कुछ ऐसे जानकारी मिल रही है कि कैसे ऑथेंटिसिटी की जाएगी? देखिए, जहाँ तक एंटीजन को लेके शुरुआत में अगर हम पिछले साल तरफ देखते हैं तो एंटीजन टेस्ट जब राजस्थान में शुरू किया गया तो यहाँ पे उसको ऑथेंटिक नहीं पाया गया और हमारे ही एक्सपर्ट ने उसको नकारा था, जिसके बाद में इस टेस्ट को राजस्थान में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और RT-PCR टेस्ट को ही प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन अब जो समय की परिस्थिति, अभी जो स्थितियां हैं पूरे राजस्थान की, पूरी तरीके से विकट हो चुकी है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण फैला हुआ है और ऐसे में अगर एंटीजन टेस्ट के आधार पर शुरुआती तौर पर जिन लोगों के ILI के लक्षण हैं उनकी ये पहचान हो सकती है, अगर स्क्रूटनिंग उनकी की जा सकती है कि इसको शुरुआती लक्षण सामने आ रहे हैं और उसका बस RT-PCR टेस्ट करने के बाद में ये कंफर्मेशन हो जाती है कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है, या शुरुआती लक्षण अगर आ रहे हैं तो वहीं की वहीं उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, बहुत शुक्रिया। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, बात कर लेते हैं गत